सच कहते हैं, शादी के बाद गुल गुलाब बन जाता है, जैसे तू। तो तू भी बन जा। ना बाबा ना, अभी तो मैं बच्ची हूँ। तू बच्ची नहीं, लुच्ची है। चल छोड़, एक बात बता, तू ससुराल क्यों नहीं गई? अगर मैं ससुराल चली गई तो मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? साफ साफ क्यों नहीं कहती, तेरा जीजू से मन भर गया है और उनका ख्याल रखने की जगह तू चाचा जी का ख्याल रखने लगी है। पागल, वो एक दिन की छुट्टी लेकर घर आए थे और जो प्यार मुझे उन्हें भिजवाना था पापा के हाथों भिजवा दिया। ओ, अच्छा, वो क्या भिजवा रहे तुझे? तेरा मुंह। पापा, आ गए आप? अभी भी क्यों आई हो? वहीं रह जाते? और वैसे भी तुम बाप बेटी को मेर तो जुड़त है नहीं। जब से इस घर में आई हूं ना, एक भी दिन सुकून का नहीं देखा मैंने। पापा, आपको कितनी बार बोला है माँ की बात का बुरा मत माना करो, माँ को बिना बताए कहीं मत जाया करो। देखो, आपकी वजह से माँ ने मेरे कान टाइट कर दिए। देखिए बेटी, अब रोना बंद कीजिए और ये बताइए आपके दामाद ने क्या गिफ्ट भेजा मेरे लिए। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं दुनिया का वो अभागा बाप हूँ जिसने तेरी खुशी के लिए बड़े अरमानों से तेरी डोरी सजाई थी, और आज मैं अपने उन्हीं हाथों से तेरे उन्हीं अरमानों की आरती उठाकर आया हूँ मेरी बेटी। पापा, कह दो ये झूठ है। काश ये झूठ होता। अगर ये झूठ होता मेरी बेटी तो मैं तेरे लिए सफेद साड़ी ललाता। हर बाप अपनी बेटी खुशी देता है, पर मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं कि अपनी बेटी के लिए उसकी खुशियों की अस्थियां लेकर आया हूं। मुझे माफ कर दे।
क्या बे? छह कुत्ते मिलकर एक चूहे को मार रहे हो? सॉरी, छह चूहे मिलकर एक कुत्ते को मार रहे हो? रुक ना, सबर तो कर। एक बात बता बे, तू क्यों साइलेंट एक्टर की तरह ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था? तू बाहर गांव से आकर हमारे गांव में ज्यादा दादागिरी मत दिखा। इसने हमारे गांव की लड़की को छेड़ा, इसे मारेंगे नहीं तो इसकी पूजा करेंगे। ए, तू ज्यादा हीरो मत बन। इसने हमारे गांव की लड़की को छेड़ा है, आज इसे हम जान से मार देंगे। अरे रुक जाओ पाजी, थोड़ा सबर तो करो। इसे मारने का, पीटने का, कुटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बनी को है। तुम अपने हाथों को कष्ट मत दो। क्या बे साले, गांव की लड़कियों को छेड़ता है? गांव की लड़कियों को छेड़ता है? नहीं, निकलो, मैं हूं ना इसे कूटने के लिए। निकलो निकलो निकलो। अबे साले, माफ कर देना, अगर मैं तुझे नहीं बचाता तो तेरी हड्डियां तोड़ देते। ठीक है, चल 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 चल। और बता, मेरे हाथों का प्रसाद खाकर कैसा लगा तुझे? तू तो बहुत बेकार आदमी है यार। अच्छा, पहले उनसे बचाया, फिर खुद ही ठुकाई कर दी। यार ये गलत बात थी तुम्हारी यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, एक बात बताओ। हाँ? तुम इस गांव में करने क्या आए हो? नहीं बता रहा, बता क्या करेगा तू? बाबूजी, अब तो इस बात को 6 महीने हो गए, अब तो जिंदगी के रंजो गम के साथ जीना सीख जाइए। बेटा, मैं एक पल के लिए अपने आंसुओं को तो रोक सकता हूं, पर बेटी के आंसुओं को कैसे रोकूं? अब तो इसका हर पल हर दिन आंसुओं के सहारे गुजर रहा है। काश वो फैसला मैं नहीं लेता तो मेरी बेटी की जिंदगी यूं तबाह नहीं होती। बाबूजी, जो हुआ उसको आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहराते हो? अरे ऊपर वाले के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती। ऊपर जो बैठा है बहुत बड़ा न्यायाधीश है, जो कुछ करता है सोचकर ही करता है। भगवान के अलावा कुछ फैसले हमारे कर्म करते हैं, और मैं ऐसा क्या कर्म करूं भगवान, जिससे मेरी बेटी की जिंदगी में खुशी उसके चेहरे पे वही मुस्कान आए। ये क्या रोना धोना लगा रखा आप दोनों ने? अगर आप लोगों का रोना धोना खत्म हो गया हो ना, तो जरा घर की तरफ भी ध्यान दे लो। और क्या ये मनुष्य का चेहरा देख देख के पूरे घर में मातम फैला रखा आप लोगों ने? बहू, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारी बेटी है। पिताजी, मुझे आपके भगवान ने कहा है ऐसे बोलने के लिए, क्योंकि ये इसके पिछले जन्म के कर्म है जो इसे तिल तिल के तड़पाते रहेंगे। और वैसे भी भगवान मुझे ऐसी बेटी कभी नहीं दे सकता जिसने पैदा होते ही अपनी माँ को निगल लिया। कल्याणी, चुप करो। चिल्लाना मुझे भी आता है, चिल्लाना है तो अपने बाबूजी और अपनी बेटी के ऊपर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। इतना ही बहुत है कि मैं इन दोनों को सहन कर रही हूँ। बेटा, देवयानी, चाची, देवयानी कहाँ है? मेरे पल्लू में बंधी हुई है, आजा खोल ले। क्या मतलब? मतलब ये, उस मनोज के बारे में है ना, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा शिवानी, तू क्यों उसके मुंह लग रही है? जा, अंदर है, जाके मिल ले। चाचा जी, मैं उससे मिलने नहीं आई हूँ, मैं उसे अपने साथ मंदिर ले जाने के लिए आई हूँ। आखिर कब तक वो घर में जेल की तरह कैद रहेगी? यार ये सब छोड़ और मेरे साथ मंदिर चल, हो सकता है वहां तेरी सारी मुराद पूरी हो जाए। मुरादें इंसानों की पूरी होती, मुर्दों की नहीं। और वैसे भी
मैं वो कलम की स्याही हूँ जिससे मैं खुद अपनी किस्मत भी नहीं लिख सकती। ओ यार, ये सब फिलॉसफी बंद कर और मेरे साथ मंदिर चल। हटा ये तामझाम अपना, हटा, चल चल अब। चल बोल कुकुरुकु। हाँ। ए, चल भाग। हाय, ऐसी चाल और ऐसा माल पहले कभी नहीं देखा इस गांव में। भैया जी, ये रैनबोक थोड़ी कर रही है, वैसे भी ये विधवा है। रंग तभी चढ़ता है जब लिबास सफेद हो, तो कलर उस पे अच्छा चढ़ता है। और आज इस लिबास को राजन अपने प्यार के सतरंगों से सजाएगा। श्रीमान, भगवान राम ने कहा है कि औरत देवी होती है और देवी की कमर नहीं उनके पैर पकड़े जाते हैं। लगता है तू मुझे पहचान नहीं रहा है। अब दिखने में कुत्ता बिल्ली तो लग नहीं रहे हो, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जेंटलमैन लग रहे हो। भैया जी, तारीफ नहीं, ये आपकी बेइज्जती कर रहा है। लगता है चूना लगा रहा है। ए, इधर आ। अबे चूना पत्ते को लगाया जाता है, पान के पत्ते को, इंसान को नहीं। और इतने महान और इतने बलवान इंसान को भला मैं कैसे चूना लगा सकता हूँ। देवियो, आप अपने घर को प्रस्थान करो। जाओ जाओ देवियो, जाओ, इस महान इंसान की बात मानो और थोड़ा आराम से जाना। हाँ, अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन देवियों को घर क्यों जाने दिया। अरे बेवकूफो, औरत की बिना मर्जी के तो इनका वो भी हाथ नहीं लगा सकता। कौन? भगवान? अरे अरे वो, अरे वो कौन? भैया जी, लगता है ये पति की बोल रहा है। हाँ, ये हुई ना कलमंदों वाली बात। वैसे एक बात बताऊं, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा ये बेवकूफ है। अच्छा खाजन जी, अब मैं चलता हूँ। ओए, ये खाजन जी नहीं राजन जी हैं। पता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? अबे जब सारे डायलॉग हीरो ही बोल देगा तो सपोर्टिंग आर्टिस्ट क्या करेंगे, घंटा? अरे भैया जी, आज तक मैं नहीं समझ पाया इनको, तो आप क्या समझेंगे यार। चलो बाद में मिलते हैं, ठीक है भैया? ठीक है, मिलते हैं, नए चक्कर में। अच्छा चूना लगाया इस खाजन को। तेरे कुछ समझ में आया क्या? तेरे? भैया जी, मेरे भी समझ में नहीं आया। तुम सब मिलके ना मुझे पागल बना दोगे, पागल। चल। क्या हुआ राजन? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम ऐसे खाली हाथ आओगे ये मुझे उम्मीद नहीं था। चाचा जी, जैसे बिना कागज का सिग्नेचर नहीं होता, वैसे राजन अपना बिना काम किए हाजिर नहीं होता। ये लीजिए टेंडर का कागज। इस पर दस्तखत स्याही से नहीं, उसके खून से होना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में शमशेर सिंह का भय और डर बराबर बरकरार रहे। भीमा, चल। खराब जाते, तुझे क्या लगा कि तुझे मारने के लिए शमशेर सिंह आएगा? राजन, इसको ऐसी मौत मारोगी गांव से लेकर शहर तक, शमशेर सिंह के नाम और डर का भय हमेशा बरकरार रहे। तुम्हारी ये चीख पूरे गांव में हमारी दास्ता सुनाएगी, जब तुम्हारी लाश गांव के बीचों बीच लटकाई जाएगी। गांव वालों, तुम लोग भले ही घरों में छुप जाओ,
लेकिन एक चीज याद रखना, मैं कुत्ते की तरह सूंघता हूँ और चील की तरह नजर रखता हूँ। अगर मेरे विरुद्ध कोई भी जाने की कोशिश किया तो उसका भी अंजाम यही होगा। मुखर देख के जिंदा है कि मर गया, अगर जिंदा है तो इसे मार डाल। ये तो निकल लिया हुजूर। अरे देवने बेटा, बाबूजी के लिए खाना ले आओ। दादाजी खाना। दादाजी माँ ने कुछ बोला है क्या जो आप इस तरह से खाना छोड़कर जा रहे हैं? बहू क्या बोलेगी बेटी, हम तीनों को तो उसकी बात सुनने की आदत सी पड़ गई है। दादाजी तो फिर ऐसी क्या बात है जो आप अपनी पोती से कहने में झिझक रहे हैं? देवानी बेटा, बाबूजी आज घर की बातों में चिंता में नहीं है बल्कि बाहर की बातों में चिंता में है। लाखों लोग मरते हैं, उनकी तो चिंता होती नहीं है, बहादुर के मरने में आंसू बहा रहे हैं। बहादुर की मौत इतने मार्मिक तरीके से की गई है, अब भी गांव और समाज वाले नहीं बोलेंगे तो राजन और शमशेर पता नहीं कितने बच्चों को अनाथ, कितनी औरतें बेवा हो जाएंगी। ये हर रोज खून की होलियां खेलते रहेंगे ऐसे ही। बाबूजी लोग अपने घर का तो ख्याल रख नहीं सकते और आप शमशेर के सामने खड़े होने की बात कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए। जब ये सुबह उठेंगे ना, ये लोग बहादुर को भूल चुके होंगे। शमशेर ऐसी शख्सियत है, उसके सामने उसके खिलाफ खड़े के बोलना समझ लो अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। नहीं बेटा, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। तू देखना, शमशेर सिंह जैसे रावण को मारने के लिए जरूर कोई ना कोई राम आएगा, जरूर राम आएगा। मैं बनूंगा वो राम, और राम के होते हुए उसकी सीता को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। तू जानता नहीं है उस राजन को और उसके चाचा को, खून तो वो ऐसे बहाते हैं जैसे नदियों में पानी। पहले ही नजर में मेरे जिगर में बस गई, उसके लिए बनी राजन तो क्या उसके बाप के बाप से भी टकरा जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है तू इस गांव में घूमने नहीं, उस शमशेर सिंह के हाथों मरने आया है। अबे एक बात बता, जब हीर रांझा लैला मजनू रोमियो जूलियट और श्री फरहाद की प्रेम कहानी अमर हो सकती है तो इस बनी की क्यों नहीं? और एक आशिक की मौत तब तक यादगार नहीं होती जब तक अपनी महबूबा के लिए निशान नहीं होती। तू तो गया बनी और साथ में मुझे भी लेके जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, ऊपर जाके दोनों अपने गिले शिकवे बयां करेंगे। अबे आशिक सो जा यार, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अरे यार अब क्यों मारा यार? अबे साले जींस में सोऊंगा क्या, लोअर कौन लाएगा? चलो वो लेके आ। लाता हूँ, हर टाइम मारता रहता है। मैं उसका राम और वो मेरी सीता। चाचा जी, इस बार मंडी में बहुत अच्छा धंधा हुआ है हम लोगों का, और बगल के मंडी के भी लोग आके अपने वहां धंधा करना चाहते हैं। इस बार बहुत मुनाफा होगा चाचा जी। शंकर, आज का बिल किधर है? लो जी। राजन। जी चाचा। सारे ठेकेदारों के यहाँ ये बिल पहुंचवा दो और पेमेंट मंगा लो, याद से मंगा लो। अच्छा भीमा, उसका पता किया? किसके पते की बात कर रहे हो? चाचा श्री, गांव में एक मासूम नगीना आई है जो आपके भतीजे के दिल में घर कर बैठी है। मन पसंद चीज आई है और वो भी घर से दूर है? अरे शमशेर सिंह के भतीजे हो, जा उठा लाओ उसको। ना चाचा, पहली बार तो किसी लड़की को देख के दिल में तार बजा है, उस लड़की को उठा के नहीं लाऊंगा चाचा जी, उस लड़की को डोली में लेके आऊंगा। भैया जी, लेकिन वो विधवा है। विधवा है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुझे क्यों प्रॉब्लम है? चाचा जी मुझे वो लड़की चाहिए, हर एक कीमत पे चाहिए तो चाहिए। राजन फिलहाल तुम जाओ।
मैं सही समय देखकर उसे लाऊंगा। फिलहाल जाओ तुम आराम करो। लेकिन चाचा हमें वो लड़की चाहिए। मैंने बोला ना तुम जाओ आराम करो, जा। यार बनी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तू इस गांव में करने क्या आया था यार? तेरी बजाने आया था, और बजवाना चाहता है। जब से इस गांव में आया ना, तू मेरी बजाने में लगा है। एक बात बता बन्नी, तेरी लव स्टोरी में इतना सस्पेंस क्यों है यार? बेटा फिल्म वही हिट होती है जिसमें सस्पेंस हो। ये बात भी सही है। तुम वहां गई थी ना, है ना? ए दिव्यानी देख, ये तो वही लड़का है ना जिसने हमें राजन से बचाया था। ये देख कैसे घूरे जा रहा है, मैं तो इसे भुला भाला समझ रही थी, छिछोरा कहीं का। अच्छा है ना, तुझे किसी ने देखा तो सही। यही तो गलती कर दी इसने, बताती हूँ इसको मैं। ओए, कब से क्या तू मुझे घूरे जा रहा है? मेरे ही गांव में रह के तू मुझे ही घूरे जा रहा है? ये तेरी हीरोगिरी ना उस राजन के आगे चलेगी, मेरे आगे नहीं चलेगी, समझा तू? ओए, कुछ कह रही हूँ मैं तुझसे। ओ मिस्टर, मैं जब से बोली जा रही हूँ और ये देखो ये सुन ही नहीं रहा, घूरे जा रहा है जब से। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, तू मुझे वाले इशारे क्यों कर रहा था? वो वाले कौन से? जैसे एक लड़का एक लड़की को देख के करता है। मैडम मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है जो मैं तुझे छेड़ूं, वो तो मैं तुम्हारी सहेली को देख रहा था। ओ हीरो, जरा लिमिट में रह, समझा? तूने हमें राजन से बचाया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो तुम्हारी सहेली को देखकर पहली नजर वाला प्यार हो गया था। तू कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं बोल रहा? तभी तो ये सिंदूर लाया हूँ। देखिए, ख्वाब और ख्वाहिश में उतना ही फर्क होता है जितना जमीन और आसमान में। उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। सुन लिया आप? चल 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 चल, निकल ले, कट ले यहाँ से, बड़ा आया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तू क्या जाने जलन खोल लड़की। अरे ये तो वो रंग है जिससे जिंदगी रंगीन हो जाती है, ये वो रंग है जिससे जिंदगी के सारे गठबंधन जुड़ जाते हैं। चल देवयानी चलते हैं, ये तो ऐसे ही बोलता जाएगा, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, चल निकल, इसे तो मैं देख लूंगी। ये जमीन भी आसमां से मिलेगी जब मोहब्बत की चिंगारी तेरे दिल में जलेगी। अब तो हर मौसम सुहाना लगता है, तेरे लिए हद से गुजर जाना अच्छा लगता है। हमें तो पत्थर दिल को पिघलाना भी अच्छा लगता है, जैसे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का दिल दीवाना लगता है। अरे वाह, तुझे नहीं लगता आजकल मैं कुछ ज्यादा शायरी करने लगा हूँ? हाँ हाँ। साले जब से तेरे गांव में आया हूँ ना, भूल गया मैं शायरी करना, नहीं तो तेरा भाई बहुत बड़ा शायर था। चल भूले हैं हम तो शिकवे गिले, जब से हमको तुम मिले, होने लगी हैं आबाद ये बेजा दिलों की महफिले। जाने कैसा सुकून है तेरे प्यार में, जाने कैसा सुकून है तेरे प्यार में। इस तरह से हुआ हमें प्यार पहली बार में। सोचा न था कि खुमारी इस तरह से चढ़ जाएगा,
इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार तुझसे मेरी सुबह चले ये शाम भी ठहरे तुझ पे ही हम तो बस तेरे हो गए जाम लगे चाहे मुझ पे ही तुझसे मेरी सुबह चले ये शाम भी ठहरे तुझ पे इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में कुछ तुझे पता है तेरे दादा से लेके तेरे पापा तक मुझे सब सही लगते हैं लेकिन तेरी माँ उफ बड़ी गुस्सैल है जब देखो मुंह बना के रखती है माँ ऐसी ही है वैसे तुझे तो कभी नहीं डांटा मैं तेरी जैसी कोई हरकत भी तो नहीं करती हरकतें करने में तो हम माहिर हैं मेरी जान अगर तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारी बहन के साथ करना चाहता हूँ तेरे ना जुबान काट के फेंक दूंगी समझ गया पूरे गांव में तुझे हम ही मिलते हैं परेशान करने के लिए हम नहीं ये वैसे तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें मुझ जैसा जीजा मिला है शकल देखी तूने अपनी अकल के साथ नहीं नजरें भी घुमा ले समझा बड़ाया जीजा नहीं यकीन आ रहा ना तो अपनी बहन से पूछ लो देखिए अब बार बार हमें परेशान करना बंद कर दीजिए तो आप भी यूं इस तरह नजरअंदाज करना बंद कर दीजिए और प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए आपका और मेरा कोई मेल नहीं पतझड़ का सूखा हुआ पेड़ किसी को छाया नहीं देता वैसे ही ये रंग मुझे प्यार करने की इजाजत नहीं देता बस सुन लिया अब मिल गई तसल्ली सुन तो लिया मगर तसल्ली नहीं मिली चल चल भाड़ में जा बड़ा आया एक नंबर का छिछोरा चल देवयानी अच्छा सुनो कुछ नहीं बस तुम्हारी बहन को देखना चाहता था चल देवयानी है चिपकली जब देखो 24 घंटे इनके साथ चिपकती रहती है माना कि मेरा दोस्त थोड़ा छिछोरा है थोड़ा कमीना है नहीं कमीना नहीं है जैसा भी है तो मेरा दोस्त ही ना मेरे होते हुए इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता समझी ओए दाते भी चीज़ दखल के मुझसे फालतू बोल लगा तू मैं तुझे छिपकली नजर आती हूँ चल देवयानी ए जा निकल जा मरे हुए करेले की छिपकली वैसे छिपकली नहीं चिपकली थी इधर आ साले तुझे मैं कमीना नजर आ रहा हूँ छिछोरा नजर आ रहा हूँ आज के बाद ऐसा बोल मत जियो ठीक है वैसे तुझे नहीं लगता है चिपकली कुछ ज्यादा बोलती है इसलिए तो मन हो रहा था फेंक दूँ उठा के उसको मेरा भी ऐसे मन हो रहा ये देखिए मैं पूरे घर में इन महारानी को ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ बैठी हैं मुंह लटकाए ये देखो मैं क्या लेके आई देख मैं तेरे लिए क्या लाई मेरी बुआ है ना दिल्ली वाली उन्होंने भेजे एक कंगन देख पहन के नहीं नहीं रहने दे माँ ने देख लिया तो यार तू क्यों इतना डरती है अपनी माँ से दिखा तू रहने देना पहन के तो दे
माँ तुझे शर्म हया है कुछ के नहीं? आदमी के मरते ही सब कुछ भूल गई। और ये क्या है, तुझे सजने सवरने का बड़ा शौक चढ़ा है ना? क्या बात है जो ये चूड़ियां पहन रही है? चाची चाची, ये चूड़ी मैं इसको जबरदस्ती पहना रही थी। तू तो चुप कर, किसी ने तुझे कहा होगा तभी तो तुमने पहनाई, पहले तो तू कभी नहीं लेके आई। और कहीं इसने कोई यार तो नहीं बना लिया इस विधवा ने? नहीं नहीं। अबे गांव के पार्क में यहाँ सिगरेट फूंक रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? कम से कम अपनी इज्जत का नहीं मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। साले तू सेक्सी से सन्यासी कैसे बन गया? और दिन पर दिन इज्जतदार वाली बात भी कर रहा है। भूल गया वो दिन जब लोग तुझे कुत्ते की तरह मार रहे थे और मैंने तुझे शेर की तरह बचाया था? अब ये क्यों पिटने आ गया? अबे साले मारा तो मैंने इसे है, तो तू इतने गुस्से में क्यों देख रहा है? और ऊपर से डंडा। अबे साले बाहर से आके हमारे गांव की लड़कियों को छेड़ेगा, तेरे लिए डंडा नहीं तो और क्या लाऊंगा मैं? ये तो गया, ये लो। मैंने कब तेरी बहन को छेड़ा? हाँ तेरे मोहल्ले की लड़की को छेड़ा था क्या? नहीं। तूने कभी मुझे किसी लड़की को छेड़ते हुए देखा है क्या? ना। मारते मारते क्यों पूछ रहा है? अबे भाई भाई बोलकर बजाता है ये, जब से यहाँ आया है थोड़ी देर पहले ऐसे ही मुझे बजा रहा था जैसे अब तुझे बजा रहा है। मुझे लगता है किसी ने गलत एड्रेस दे दिया तुझे। एड्रेस से याद आया, मुझे मारने की सुपारी किसने दी है तुझे? अब बोल। सुपारी? सुपारी तो बच्चे लेते हैं, हम तो पूरा खम्बा लेते। खम्बा किसने दिया? इधर आ, इधर आ। आजा। नहीं नहीं इधर आ। मटरू यही नाम है ना तेरा? अब निकले नहीं तो साल है। बजा गया राजेंद्र, वनासी पान और वनासी लुगाई मुझे मजा है ना। दुनिया में ऐसा मजा कहीं नहीं है। अच्छा एक बात और है, आज रात को 20 का 200 ट्रक लोड होना चाहिए, जितने वर्कर हैं सबको काम पे लगा दो, कोई नहीं सोना चाहिए। ठीक है। चाचा अगर अनाज मंडी से फुर्सत मिल गया हो तो दिव्यानी के घर पे भी जाना है। राजन हमारे यहाँ जाने की प्रथा नहीं है, उठा लाने की प्रथा है। और वैसे भी उस लड़की का सौभाग्य है जो उसे तू मिला। अगर विधवा पर तुम्हारा दिल आ ही गया है तो एक काम करो, जाओ उसे उठा लाओ। मैं अपने होने वाली बहू को अपने हाथों से शगुन देना चाहता हूँ। चाचा जी अगर उठा के लाएंगे तो कहीं शादी से मना कर दे तो? तो शादी से मना कर दे? राजन जिस वृक्ष से हमें छाव नहीं मिला ना उसे हम काट डालते हैं। और वैसे भी इस पूरे इलाके में कोई ऐसा शेर नहीं पैदा हुआ है जो शमशेर सिंह के भतीजे को लाने के लिए मना कर दे। जाओ उठा के लाओ। थैंक यू चाचा। एकदम उठा के लेके आना। अरे बुड़बक कहीं का, लगता है परवरिश में कुछ कमी रह गई। अरे अब तक तो इसको उठा लाना चाहिए और मुझसे पूछ रहा है। तेरी माँ को तुझ पे जरा सा भी तरस नहीं आता? उससे अच्छा तो वो लड़का है जो नया नया आया है शहर से। मेरी माँ गांव वालों की नजर में चाहे जो हो, मेरे लिए तो वो मेरी माँ ही है। वैसे तूने जीजा कैसे पसंद किया? क्या मतलब? पागल तेरा वो मेरा जीजा ही लगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी वो तुझे पसंद करता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे जीजा बोलने में। और बहन जी मैं उसे जीजू ही बोलूंगी। Thank you.
लिए। बदतमीजी नहीं है, ये मेरा प्यार है तुम्हारी बहन के लिए। वो तो मेरे चाचा जी की इच्छा थी कि शादी से पहले बहू को उसका घर दिखा दूं। क्यों, प्लान अच्छा है ना साली जी? और हाँ, बगल वाली सीट खाली है, चलो तुम भी ससुराल घूम लेना। जबरदस्ती का काम ना मर्दों का नहीं, ना मर्दों का है, समझा तू? अरे इस गांव में सिर्फ एक ही मर्द है, वो मैं। तुम जैसे मिडिल क्लास वालों को ना इज्जत हजम नहीं होती है, इसीलिए अब इसको उठा के ले जाना पड़ेगा। इस पूरी दुनिया में अकेले तेरी ही माँ ने मर्द पैदा करने का ठेका नहीं ले रखा, किसी और की माँ भी पैदा कर सकती है। औकात में रह के बात कर, वरना यहीं पे मारा जाएगा। ये क्या तेरी बहनियां लगती है जो तू इसके लिए राजा जैसे पहाड़ से टकराने की कोशिश कर रहा है? अबे बहनियां होगी तेरी, हमारी तो दुल्हनिया है। और वैसे भी तो जैसे पहाड़ मैंने बहुत तोड़े हैं, चुपचाप अपने पटरों को लेकर ऐसे निकल, क्योंकि मेरी शादी में नाचने के काम आएंगे। हुजूर, मामला बिगड़ सकता है। बड़े हुजूर ने सिर्फ लाने को कहा था, मारने को नहीं। ठीक है, आज तो जा रहा हूं, लेकिन कल तेरा काल बन के फिर आ सकता हूं, याद रखना। जा जा, जब तक तू आएगा तब तक तो मैं दूल्हा भी बन चुका होऊंगा। वैसे दुल्हन तो तुम मेरी ही बनोगी, बनोगी ना? आज के बाद अगर तुम मेरे सामने भी आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी खरीदी हुई जमीन नहीं हूँ मैं, जिस पर जब मन आए तुम अपना मीनार खड़ा कर दो। मिल गई तुझे तसल्ली? हाँ, कितनी मतलबी है यार तू। तूने उस इंसान को जलील किया है जो हमेशा तुझे राजन जैसे गुंडे से बचाता रहा है। अरे अगर तू किसी को प्यार नहीं बांट सकती तो उसे डांटने का भी तुझे कोई अधिकार नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं तो उन जंजीरों में जकड़ी हुई हूं जो मुझे मर्यादा और समाज के करीब ही नहीं जाने देती। अच्छा है ना, मर चार दीवारों के बीच, जैसे वो मर रहा है तेरे लिए। ये समाज हमेशा तुम्हें ताना देता रहेगा, तुम्हें रोटी देने नहीं आएगा, समझी तू? ऐसे राजन जैसे गुंडे कितनी लड़कियों को नोच के खा जाते हैं, कोई भी आगे नहीं आता, सब मर जाते हैं, सबका जमीर मर जाता है। मैं क्या करूं? मैं चाह कर भी अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं कर सकती। तो तोड़ दे इन मजबूरियों को। जानती है बन्नी कितना अच्छा लड़का है, तू बहुत नसीब वाली है, तुझे ऐसा लड़का मिला है वो तुझे बहुत खुश रखेगा। जा, चली जा उसके पास और थाम ले उसका हाथ। बनी, तू सुबह से सिगरेट फूंक रहा है, क्यों अपना दिल जला रहा है? मर जाएगा तू। जो पहले किसी के प्यार में मर चुका हो उसे ये क्या मारेगी? मैं जितना उससे प्यार करता हूं वो उतना ही मुझसे दूर होती जा रही है। और अगर मैं नफरत की जगह प्यार करने लग जाऊं, क्या तब भी तुम मरोगे? मौत भी मुझे मंजूर होगी जिस दिन तुम उससे दूर होगी। फिर तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अच्छा तुमसे एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम इन लाल कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो, और सफेद साड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं, और आज के बाद तुम पहनोगी भी नहीं, ठीक है? मुझे पता है,
पर जानते हो मैं एक विधवा हूँ। तुम विधवा थी पर अब नहीं हो। वो कैसे? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में धनी आ गया है। अच्छा अब चले। कहाँ? यार तुम ना सवाल बहुत करती हो। पर तुम जवाब तो किसी का भी नहीं देते। हाँ ठीक है, नहीं देता ना, आप चुपचाप चलो चलो। हाँ? अच्छा दादाजी आपकी लव स्टोरी इतनी अच्छी है, हाय काश मेरी भी लव स्टोरी ऐसी होती। होगी ऐसी। कहाँ से आ रही है बेटा? शिवानी से मिलने गई थी पापा। बेटा शिवानी पिछले एक घंटे से पिताजी के साथ बैठकर चाय पी रही है, वो देख। वाह वाह वाह, तू इतनी रात को कहां से मुंह काला करवा के आ रही है? तू देख अब, देखो देखो गांव वालों, देखो देखो इस विधवा की करतूत, देखो देखो ये अपने यार से मिल के आ रही है और हमें कहती है कि शिवानी के घर से आ रही हूँ। देखो पूछो इससे कहाँ से आ रही है आधी रात को। और पिताजी आप, पिताजी आपको तो बहुत अभिमान था ना अपनी पोती पे, तो पूछिए उससे, पूछिए किसके साथ रंग रलिया मना के आई है वो, पूछिए पूछिए कहाँ मुँह काला करके आई है वो। अब चुप क्यों है, पूछते क्यों नहीं किसके साथ थी वो? भगवान के लिए बस करो माँ। खबरदार खबरदार अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम बोला तो। अरे विधवा होकर ये सब कुछ करके आ रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसकी ये करतूत देखकर हम सब गांव वालों की बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा लगा सकते हो तुम लोग? मुझे तो पहले ही पता था ये कोई ना कोई गुल तो जरूर खिलाएगी। बेटा मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो तूने बिना सोचे समझे ये कदम उठाया? जिंदगी के पड़ाव में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। इस लड़की को मैं अपना गुरूर समझता था, अपने से ज्यादा विश्वास करता था। अब उसी लड़की की वजह से पूरे समाज में मुझे जलील होना पड़ा, मेरे गुरु के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसी लड़की तो पैदा होते ही मर गई होती तो अच्छा होता, ऐसी लड़की को तो मर जाना चाहिए। हाँ हाँ मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। अरे मरना तो तुम जैसे लोगों को चाहिए, तुम जैसे लोगों को। क्या एक विधवा को ये भी अधिकार नहीं कि वो अपना जीवन अपने तरीके से बिता सके? तो आपको ये भी अधिकार नहीं है कि आप किसी विधवा का जीवन बिगाड़े, समझे आप? चले जाइए यहाँ से। जब किसी की इज्जत की बात आती है तो सबसे पहले आप जैसे लोग सामने मिलते हैं, और अगर किसी का जीवन सवार न हो तो आप में से कोई दिखाई नहीं देता। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। और सुनिए मेरी बात, जो ये झूठा पर्दा है ना अपनी आंखों में ही रखिए। बड़े आए धर्म के ठेकेदार, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए बिल्कुल। भैया
दादो जी। मैं जानता हूं बेटी, जज्बात और उम्र के इस पड़ाव में अक्सर नौजवान लड़के और लड़कियां रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन तू एक विधवा है और तेरा ये कदम मेरे कदमों की राह में तारों के कांटे बिछा देगा, आरों के कांटे। दादो जी, मेरा गुनाह क्या है? यही कि मैं एक लड़की हूं। नहीं, तुम लड़की नहीं हो, तुम शादी के फेरों के बंधन में बंधकर एक औरत हो, और औरत अपने समाज के कायदे और कानून और अपने परिवार के बंधन में रहती है। एक विधवा उस नारी के समान है जो तारों के बीच से टूटकर आसमान का ठिकाना छोड़कर धरती पे आ गिरता है। दादाजी, मैं अपने प्यार के उस वचन की बंदिश में बन चुकी हूँ, जिसे मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। फिर वो चाहे बंदिशे मेरी मौत ही क्यों ना हो। ऐसा मत बोलिए दादाजी, आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दीजिए, जिससे आपकी इज्जत और मेरे वचन की लाज दोनों जिंदा रह सके। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का सिर्फ एक ही समाधान है, मेरी मौत, क्योंकि मैं लोगों के इस समाज में तानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर नहीं, सकता नहीं नहीं दादाजी, नहीं नहीं दादाजी, नहीं नहीं, 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 नहीं दादाजी, मैं अपने प्यार को भूल जाऊंगी, मैं अपना वचन भी तोड़ सकती हूँ, पर इस पाप का बोझ मैं अपने कंधों पर नहीं उठा सकती दादाजी, नहीं उठा सकती। मैं बन्नी को भुला दूंगी एक सपने की तरह, मुझे मेरा प्यार नहीं चाहिए, मुझे मेरे दादाजी चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है, हर बाप ये चाहेगा कि तू उसके घर में जन्म ले, तेरे जैसी बेटियां उसके घर में जन्म ले। हाँ।